साहब, हमारे रजिस्ट्रार साहब, हमारे सभी प्रोफेसर्स, हमारे बीच में बैठे हुए सभी यहाँ के बाहर के शांति कुंज विश्वविद्यालय और ब्रह्मवर्चस्व के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारा चैत्र मास में हम लोग पिछले 7-4 साल से जो प्रसंग चला रहे हैं वो है हमारा रामायण का प्रसंग, रामचरितमानस। केवल 2007 में हमने 9 गुणों के बारे में किया था, गुरु भक्ति, निष्काम सेवा, जप, ध्यान, कथा संकीर्तन, प्राणायाम। उसके बाद फिर 2007 की अश्विन नवरात्रि से 12वां अध्याय, फिर 2008 में चैत्र में नवधा भक्ति, अश्विन में स्थित प्रज्ञ दर्शन, 2009 में चैत्र में श्री राम वाल्मीकि संवाद, आपके कहाँ कहाँ रहते हैं भगवान बताएं, अश्विन कर्मयोग, चैत्र मास 2010 काकभूषण जी गरुड़ संवाद, रामायण, उत्तरकांड, अश्विन मास में पुरुषोत्तम योग। इस तरह से 4 बार हम लोग गीता का, 4 बार हम लोग रामायण का पाठ कर चुके हैं। आज हम नवीन संवत्सर की बात कर रहे हैं। नवीन संवत्सर जो है, आज शैलपुत्री का दिन है। जड़ता को भेद करके जो शक्ति बाहर निकलती है वो है शक्ति उपासना का पहला पावन पर्व हमारा। जड़ता को भेद करके जो निकले, ये जो ऋतु परिवर्तन है, ये ऋतु परिवर्तन कई दृष्टि से अच्छा भी है, क्योंकि हम लोग जिस मौसम में रह रहे थे उस मौसम से हम ग्रीष्म ऋतु में जा रहे हैं। और इस ऋतु का नाम क्या है, कोई बता सकता है? कौन सी ऋतु चल रही है अभी? वसंत ऋतु। चैत्र मास की जो कृष्ण प्रतिपदा थी उससे 15 दिन पहले हमारे वो चालू हो गई, मतलब होली के अगले दिन से वसंत ऋतु चालू हो गई। 2 महीने यही रहेगी और 2 महीने ये रह करके समाप्त होगी चैत्र वैसाख, ज्येष्ठ आषाढ़ में हमारी ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। तभी ग्रीष्म ऋतु आई नहीं है, देखिए गर्मी कितनी तीव्र है। ऐसे में बहुत सारी बीमारियों को पड़ने का डर रहता है। युग संधि का समय है, ऋतु संधि का समय है, नवरात्रियों का समय है, नव दुर्गा का समय है। हमारा शरीर 9 मुख्य द्वारों वाला है, 2 द्वार है, 9 द्वार है हमारे शरीर में। जीवनी शक्ति का नाम ही दुर्गा है। अगर आप दुर्गा नाम सुनना चाहें तो दुर्गा का मतलब जो कठिनता से जिसका संरक्षण किया जा सके वो दुर्गा। जीवनी शक्ति का लाश हो जाना, कम होते चले जाना, यही हमारी दुर्बलता का कारण है। द्वारों में अनुशासन और स्वच्छता स्थापित करने का पर्व है नवरात्रि पर्व। इन 9 द्वारों में हम स्वच्छता स्थापित कर सकें और अनुशासन स्थापित कर सकें। 9 द्वारों का किला है हमारा शरीर, और ये जो व्रत है, जो व्रत करते हैं, चाहे एक सब्जी खाने की, एक रोटी लगाने की, दाल खाने का, चावल इस तरह से, या फिर कोई जल उपवास करता है, मैं मना करता हूँ उसके लिए। कोई करता है तो आलू खाता है, उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि उससे शरीर और वो हो जाता है, भारी भारी सा हो जाता है। कोई इतनी सी नहीं, ढेर सारी मूंगफली खा लेता है, इतनी सारी। कोई कुट्टू की चीज़ें खाता है, पकौड़ियाँ वगैरह सब खाता है। पर आज जो शैलपुत्री है,
उसके लिए कहा गया कि कुट्टू आज का दिन खाना चाहिए, शैलपुत्री जो है कुट्टू को पसंद करती है। मालूम नहीं शैलपुत्री को कुट्टू क्यों पसंद था, पर उसका आहार है शैलपुत्री का। पर मेरे हिसाब से फलाहार संभव हो तो फलाहार, नहीं तो मट्ठा, नहीं तो उबली हुई सब्जी। सबसे बढ़िया मैं जो व्रत करता हूँ, मैं अपना व्रत बताता हूँ, मैं उबली हुई सब्जी लेता हूँ 9 दिन तक, केवल सुबह शाम उबली हुई सब्जी, केवल एक, कोई से भी 2 कटोरी ले लो, 3 कटोरी कोई से भी ले लो, आलू की ले लो कोई दिक्कत नहीं, पर जो आलू को हम लोग वस्त्र से बना के खाते हैं उसके बजाय ये। आज शैलपुत्री का दिन है और शक्ति उपासना का मतलब होता है खुद पर और किसी परम शक्ति पर पूरा विश्वास। शक्ति उपासना जो आज से हम करते हैं, खुद पर और अपनी परम शक्ति पर पूरा विश्वास। उसके नजदीक आसन लगा के बैठना, ये दुर्गा है इसके नजदीक आसन लगा के बैठना शक्ति उपासना, शक्ति की उपासना, शक्ति के पास बैठना। शक्ति के पास बैठना मतलब आत्मविश्वास संपन्न हो जाना, मनोवृत्ति को स्थिर करने का प्रयास करना, ये सही अर्थों में नवरात्रि साधना। नवरात्रि में 3 रूपों के ध्यान करते हैं हम लोग, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली हमारे जीवन में संघर्ष लाती है, बहादुरी लाती है, महालक्ष्मी हमारे जीवन में ईमानदारी लाती है, और महासरस्वती हमारे जीवन में समझदारी लाती है। जब ये तीनों आ जाती हैं तो चौथी चीज आ जाती है, उसका नाम क्या है? अगर बहादुरी आ जाए, ईमानदारी आ जाए, समझदारी आ जाए, अपने आप जिम्मेदारी है ना, प्रामाणिकता, एक जिम्मेदार हम कार्यकर्ता के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो आज जो है हम लोग जिस चीज की चर्चा करने जा रहे हैं वो राम कथा का प्रारंभिक स्वरूप। भगवान सही अर्थों में अगर किसी को देते हैं तो बुद्धि योग देते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम गीता में आ गया है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मेरी मेरी भजन को, मेरी भक्ति को प्रीतिपूर्वक करता है उसको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपास्यते, जो मेरी उपासना करता है उसको बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग यानी समझदारी, तत्व से परमात्मा को समझने की कुशलता, ये अगर आ जाए तो फिर क्या चीज है। इसलिए आज जो हम राम कथा पढ़ेंगे उसका शुभारंभ कर रहे हैं महर्षि व्यास से। महर्षि व्यास सरस्वती नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे, बड़े परेशान थे, बड़े मन में दुखी थे, उद्विग्न थे। देवर्षि नारद मिले उनसे और उन्होंने कहा कि दुखी क्यों है भगवान? तो उन्होंने कहा 3 वेदों का भाष्य किया। तुमको मालूम होगा कि महर्षि व्यास के समय में 3 वेद थे, बाद में अथर्व ऋषि आए तो उन्होंने अथर्व वेद लिखा, महर्षि व्यास के समय 3 वेद थे। वेद त्रयी कहा जाता है, गीता में भी एक श्लोक आया जिसमें कि वेद त्रयी का उल्लेख है, 3 वेदों में सकाम का उल्लेख जो आया। 3 वेदों का भाष्य किया, 3 वेद लिखे, संकलन किया, संपादन किया, कठिन तप किया मैंने, मैंने पुराणों का लेखन किया, जेमिनी जैसे शिष्य तैयार किए, फिर भी मन को कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना सर्वस्व देने की कोशिश करते हैं पर मन बेचैन हो जाता है, एक्सीलेंस की पीक पे जाने की कोशिश करते हैं मन बेचैन हो जाता है। दुनिया में कोई भी चीज तृप्ति नहीं दे सकती, ऐसा लगता है मुझे। तो नारद जी कहते हैं अगर आपको तृप्ति चाहिए तो आप भगवान के गुणों का गान करिए, अगर आपको तृप्ति चाहिए तो भगवान के गुणों का गान करिए। अब आप ऐसा करिए भागवत लिखिए, भागवत, भागवत यानी भगवान के गुणों का कीर्तन, भगवान का के गुणों का गान, लीला का गान उन्होंने शुरू किया, उससे उनके मन को शांति मिली। महर्षि के पुत्र सुखदेव थे, महर्षि के पुत्र सुखदेव का जन्म की लीला भी बड़ी विलक्षण है। अमरनाथ की गुफा में शिवजी ने पार्वती जी को कथा सुनाना आरंभ किया, कथा में हुंकारा भरा जाता है, समझ में आया? ऐसा हुंकारा बोलते हैं ना, हुंकारा समझते हो कि नहीं? बीच बीच में बोलना जरूरी है क्योंकि ऐसा लगता है सामने वाले को सो तो नहीं गए, तो इसलिए हुंकारा भरा जाता है। तो क्या हुआ कि पार्वती जी बाद में बोली भगवान इस घटना के को फिर से समझा दीजिए, तो हमें झपकी आ गई थी। तो उन्होंने कहा फिर हुंकारा कौन बोल रहा था भाई, तुम अगर सो गई थी तो हुंकारा
व्यास जी की पत्नी की गर्भ में प्रविष्ट। शिव जी ने कहा मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, सफल बना। व्यास जी की पत्नी की गर्भ में कौन जीवात्मा है जो पैदा ही नहीं हो रही है? सारे के सारे लोग टेंशन में, 9 महीने हो गए, 18 महीने हो गए, 27 महीने हो गए, 36 महीने हो गए, पैदा ही नहीं हो रही, क्या बात है? तो वो गर्भ से बोले, अरे भाई बाहर तो आओ, कब निकलोगे? तो बाहर अंदर से बोले, बाहर आते ही माया समा जाती है, माया आ जाती है, इसलिए मैं साधना करके निकलूंगा, मैं साधना कर रहा हूं इन दिनों अंदर, विलक्षण लीला है। तो व्यास जी बोले बाहर निकल, तो बोले कि नहीं, पूर्णावतार भगवान कृष्ण इस धरती पर जब आएंगे वे आश्वासन दें तो ही बाहर आता हूं। तो बोले वो आ गए हैं धरती पर, तू उनसे बात कर ले। कृष्ण आए, वरदान दिया, सुखदेव तुम्हें माया नहीं व्यापेगी, तुम बाहर आ जाओ। बाहर आए और चल दिए, बाहर आते ही चल दिए, वन में चले गए। अब व्यास जी बड़े परेशान, व्यास जी ने कहा कि अरे तू प्रिलिमिनरी एजुकेशन, प्राइमरी, कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन, बीएससी, बीए, एमएससी, एमए कर, कुछ तो पढ़ो भाई, बिना पढ़े तू चला गया। प्रिलिमिनरी नॉलेज के बिना आश्रम परंपरा समझाई, तो उन्होंने आश्रम परंपरा की उन्होंने हंसी उड़ाई। उन्होंने कहा अगर ब्रह्मचर्य से मुक्ति होती तो जितने भी अविवाहित थे वो सब मुक्त हो जाते, और अगर मान लीजिए पेट प्रजनन से भरा हुआ गृहस्थ जीवन से मुक्ति होती तो सारे पशु पक्षी जो प्रजनन में लिप्त थे वो मुक्त हो जाते, और अगर वानप्रस्थ से मुक्ति होती तो सारे बंदर भालू मुक्त हो जाते, बंदर तो वन में बने रहते हैं। तो इसलिए मैं कोई आपका मतलब समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा रितेन ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, रित जो मिलेगा वो ज्ञान से मिलेगा, रितेन ज्ञानेन मुक्ति। वन में तप करने चले गए। अब महर्षि बनने वाला, जिसको महर्षि बनाना चाहते थे, वो पुत्र वन में चला गया, पढ़ा भी नहीं। ऋषियों से पूछा उन्होंने कि महाराज कुछ सीखा उसने? बोले नहीं, वो तो ध्यान कर रहा है, वो तो तप करता है, ध्यान करता है। तो फिर उन्होंने कहा फिर क्या करें इसके लिए, समझ में नहीं आ रहा इसके लिए क्या करें, कुछ पढ़े लिखे कुछ करे। तो बोले बहुत दिव्य पुरुष है, परंतु ऐसा करिए आप अपने शिष्यों से कहिए आपने भागवत लिखी है, आपको भागवत से आपको तृप्ति मिली? बोले हाँ। इसको आपके शिष्य लोग जो हैं जाकर के भागवत की लीला का गान करें इसके आश्रम में जाकर, और जहां ये समाधि में लीन हो, ज्ञान में लीन हो, साधना में, वहां जाकर के त्रिलोक की कोई भी चीज अगर मन को खींच सकती है तो वह है भगवान का संकीर्तन, भगवान की गीता का, भगवान के लीला का गान। विराम मिलेगा तो भगवान की कथा से। शिष्य लोग गए और उन्होंने भगवान की भागवत की कथा का, समाधि टूटी। उन्होंने कहा भाई कौन लोग आए, ये बड़ा सुंदर गा रहे हैं और ये किसका गान कर रहे हैं? बोले भगवान का गान कर रहे हैं। आप लोग कौन हैं, बड़े मधुर स्वर में गान है? बोले हजारों श्लोक हमारे गुरु ने लिखे हैं, और हजारों श्लोक की 10,000 श्लोक में भागवत, श्रीमद भागवत है। और ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा विस्तार है, जस्ट लाइक चारों वेदों की तरह से। तो उन्होंने कहा कि हमें तो समाधि से भी ज्यादा तृप्ति मिली। सुखदेव बोले हमें समाधि से भी ज्यादा तृप्ति मिली इन गीतों के गान से सुनने के बाद। उन्होंने कहा कि चलो भाई तुम्हारे गुरु के आश्रम ले जाओ। तो गुरु के आश्रम पहुंचे, बोले तुम्हारे पिताजी का आश्रम है? तो बोले हाँ, ये आपके पिताजी का आश्रम है, यहाँ आइए। पिताजी ने पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, सीखो, चलो पढ़ो, चलो, बिना पढ़े चले गए थे, पढ़ो। तो उन्होंने कहा ऋषि परंपरा के अनुसार मैं पढ़ूंगा, पर भगवत लीला सुनने के लिए पढ़ना चाहता हूं मैं, क्योंकि भागवत मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण सोपान बन गया अब उसको सुनने के बाद, और आपने उसको लिखा है इसलिए पिताजी मैं जरूर पढ़ूंगा। अब उसके बाद जब हम पढ़ लेंगे तो उसका एक दिन भी नहीं रुकेंगे। तुमको मालूम होगा कि भागवत में सुखदेव जी ने परीक्षित को संवाद सुनाया है, और वो संवाद सुनाया है जो भगवान की लीला का गान है। सुखदेव जी के मुंह से वो श्लोक निकले हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भगवान के रूप के, अलंकार के सारे विवरण हैं, सुंदरता के वर्णन है, और रासलीला से लेकर सबके वर्णन है, पर बिना किसी निराशक्ति के भाव से, उसमें कहीं किसी प्रकार का उनके मन में आसक्ति नहीं है। श्री रामकृष्ण कथामृत हमारे यहाँ जो कथामृत है, लीलामृत है, उसके पहले एक श्लोक आता है, तुम उस श्लोक को सुन लो। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मशाप हम श्रवण मंगलम श्री मदाततम भुवि गृणंति ते भूरिदायन भूरिदाजन। इसका अर्थ है
हे प्रभु तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है, हे कृष्ण तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है। तप्त जीवों के लिए तो वो जीवन स्वरूप है, तप्त जो वासना से तृष्णा से तप्त है उनके लिए। ज्ञानी महात्माओं ने उसका गुणगान किया है और ये पाप पुंज को हरने वाली है। कथा के गान की महत्ता बड़ी अपरंपार है। कथा का जो गान है, भक्ति कथा का जो गान है, भगवान की लीला का जो गान, आप लोगों ने सुना होगा। मैंने दूसरा नवधा भक्ति में दूसरी बात सुनाई थी, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। मेरी कथा प्रसंग में जो लिप्त होता है उसको एक प्रकार से मेरी भक्ति ही करता है। नौ में से एक जिसकी भी होती है वो उसको भक्ति का लाभ मिलता है। तो ये जो कथा है भगवान की कथा, ये अपने आप में बड़ी विलक्षण है और ये कथा युगों से चली आ रही है। सबसे पहले नायक कथाओं के नारद है। भगवत कथा का गुणगान करना, उनकी ओर प्रेरित करना नारद का काम है। नारद हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, भगवान की गीता का गान करो, भगवान के रामायण का गान करो, भगवान की वाल्मीकि रामायण का गान करो। इसका ये प्रेरित करने का काम सारा नारद करते हैं। सब विद्याओं के आदि गुरु शिव हैं। ये हमारे एक पूरी परंपरा चली आ रही है कि शिव, फिर शिव के बाद ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ये हमारे नारद जी। शिव, नारद और वाल्मीकि, ये परंपरा चली आई रामायण के मामले में। तुलसीदास जी कहते हैं उनकी लीला की अपरंपार महिमा है, युगो युगो से कही जा रही है। राम का अयन यानी राम का घर, रामायण। रामायण सत कोटि अपारा, तुलसीदास जी कहते हैं एक नहीं 100 करोड़ इसकी, भगवान राम का घर जो है वो 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ है। रची महेश निज राखी रासा, महेश ने अपने मन में रखा और वहां से निकली, इसलिए इसका नाम है रामचरित मानस। राम कथा की महिमा, राम नाम की महिमा तुलसीदास जी ने हमेशा कही है। कोई आदमी से ये कहे हमेशा ध्यान समाधि में रहो, नहीं रहेगा। कथा में लगा मन कभी नीचे नहीं गिरता, कथा में लगा मन हमेशा टिका रहता, ऊंचाई बना रहता है, इसलिए कथा की महिमा। एक छोटी सी उक्ति है, नर की और नल नीर की, नल के पानी की और नर की गति एक एक कर जोर, एक ही होती है। किसी को दूसरा दूसरी लाइन मालूम है इसकी? नर की और नल नीर की, नल के पानी की गति एक ही होती है। ज्यो ज्यो ऊंचो होए उठे त्यों त्यों नीचे होए, जैसे जैसे ऊंचा उठता है वैसे वैसे नीचे गिरता है। अब इसके दो अर्थ हैं, जैसे जैसे उच्च कोटि का बनता जाता है वैसे वैसे विनम्र होता चला जाता है, एक अर्थ ये हुआ। और जैसे जैसे ऊंचा उठता है वैसे वैसे नीचे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का मन निम्नगामी भी हो सकता है। इसलिए मन को ऊंचाई बना रखना, चित्त को ऊंचा बना रखना, उच्च पृष्ठभूमि बनाए रखने के लिए कथा की जरूरत पड़ती है। मन ऊर्ध्वगामी बना रहे हैं इसके लिए भगवान तुलसीदास जी कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्यों को ज्ञान देने वाली, मनोरथों को पूर्ण करने वाली गीत रामायण जो है वो इसलिए जरूरी है कि कुछ प्रपंच दुनिया में चल रहा है। क्या क्या प्रपंच है मैं सुनाता हूं, तुम सुनते जाना। शरीर है तो संस्कार है, संस्कार है तो संसार है, संसार है तो भटकन है। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, भटकन है तो मन निम्नगामी होगा, और मन निम्नगामी होगा तो कितना ही बड़ा ज्ञानी हो कालिख लग जाएगी, कालिख लग जाएगी। संस्कार है तो संताप है, और संताप है तो मानसिक पीड़ा है। अब सुनो, फिर से सुनो, जब तक संस्कार है तब तक संसार है, संस्कार है यदि तो संसार है। संसार किसको कहते हैं? हमारे आसपास की दुनिया, दे पूरी रंग बिरंगी दुनिया, दिखावा, संस्कार है। जब तक शरीर है तब तक संस्कार है, जब तक शरीर है तब तक संस्कार है, संस्कार है तो संसार है, संसार है तो भटकन है, और भटकन है तो मन निम्नगामी है निश्चित रूप से। और जितना भी बड़ा ज्ञानी हो कालिख लग जाएगी। काजल की कोठरी में कैसे हो सायानो जाया, काजल की कोठरी में कैसा भी व्यक्ति समझदार से समझदार भी जाएगा, एक लीक काजल की लागी है पैल लागी है। काजल की कोठरी में कितना भी कोई समझदार व्यक्ति चला जाए तो एक लीक काजल की लगी जाएगी। और पाई क्या होती है, निकलते समय लोग कहेंगे देखो काजल की कोठरी से निकल रहा है, लगी जाती है
हमारे से पूछा जाता है राजनीति में क्यों नहीं जाते, हम कहते हैं काजल की कोठरी। तो और दुनिया में क्यों नहीं जाते, पॉपुलरिटी की दुनिया में क्यों जाते, अपने आप गुरुदेव उसको लोकप्रिय करेंगे, हम नहीं जाते। क्यों? ये काजल की कोठरी। काजल की कोठरी जो है एक प्रकार से हमको कालिख लगाती है, और कितना ही बड़ा ज्ञानी हो उसको कालिख लग सकती है। संस्कार है तो संसार है तो संस्कार है, संस्कार है तो संताप है, और मानसिक पीड़ा बनी रहेगी। आज कथा कीर्तन का जो जमाना है इसका हो गया है व्यवसायीकरण। तुम खुद देखो कि कितनी तेजी से एक वो हुआ है, ये कहा जाए कि व्यवसायीकरण हुआ है। अभी जब मैं यहाँ कथा कह रहा हूँ तो मेरे साथ साथ हमारे बहुत बहुत विद्वान, बहुत ही विद्वान हैं, मुरारी बापू की कथा वहाँ चल रही है, ऐसे न जाने कितने पूरे देश में विदेश में सब जगह चलती रहती है। पर हमें इस बात पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या कथा का महत्व आज रह गया है जो पहले था। इतनी सारी कथाएं होती हैं और इतनी सारी कथाओं में क्या वो व्यक्तित्व तो बन पाते हैं जो पहले से थे? शायद नहीं बन पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि व्यक्तित्व को बनाने की प्रक्रिया के लिए हमें सुखदेव जैसा बोलने वाला चाहिए, परीक्षित जैसा हमें पात्र चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। श्रोता और वक्ता दोनों पंडित हों तभी राम कथा का मर्म प्रकट होता है। कथा राम के गूढ़। कथा पुराणों का जो प्रचलन है उसमें ऐसे अलौकिक रहस्य होते हैं बड़ी गहराई से समझ में आते हैं। गोस्वामी जी राम व गीता के, राम व सीता के युगल के उपासक थे, और दोनों की उन्होंने इतनी ज्यादा आराधना की है जगह जगह, बालकांड पूरा पूरा इसी से भरा हुआ है। अगर हम राम का आदर्श आज के जीवन में देखना चाहते हैं तो पूज्यवर के जीवन में वो आदर्श दिखाई पड़ता है, परम पूज्य गुरुदेव के। भगवान राम की तरह आदर्श पुत्र व राजा का कर्तव्य निभाया, अपने गुरु के आदर्श पुत्र व राजा का कर्तव्य निभाया, मर्यादा पुरुषोत्तम ने। पूज्य गुरुदेव ने एक अच्छे परिवार के मुखिया का कर्तव्य निभाया, एक अच्छे गुरु एक अच्छे शिष्य लोक सेवी को कैसा होना चाहिए, तपस्वी के मानदंड स्थापित किए जिन्हें युगों युगों तक तोड़ा नहीं जा सकता। गुरुदेव ने जो वैल्यूज स्थापित की हैं तपस्वी की, उनको युगों युगों तक नहीं तोड़ा जा सकता। ऋषियों की बात हम सुनते थे पर भूल चुके थे। भक्त अनेक हैं, नरसिंह मेहता टुकड़ो जी, पर गुरु जी ने असली भक्त को जीवित किया और ऋषित्व को जीवित किया, ऋषि परंपरा को जीवंत किया। भगवान युग युग में वो आदर्श प्रस्तुत करते चले गए कि मानव देह में संभावना है, वो दिखाते चले गए। परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने उद्घोष कर दिया कि नहीं, मनुष्य के अंदर राजकुमार है, मनुष्य के अंदर भगवान है, मनुष्य भगवान का राजकुमार है। आप भी सूर्य नहीं बन सकते, सूर्य के किरण बनकर तो जिंदगी जी सकते हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव ने हमें सिखाया। तो ये रामायण के प्रमुख पात्र भगवान राम और सीता, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव परमन्या माता जी दोनों का। तुलसीदास जी के जीवन में, जीवन काल में 90 रामायण थी, ढेर सारी रामायण थी। जो वाल्मीकि रामायण थी वो सबसे ज्यादा प्रचलित थी। एक जमाना था जब ग्राम ग्राम में कथाएं होती थी, मानसिक संताप दूर होता था, लोग शिक्षण करते थे। मैं फिजी गया, फिजी में मैंने सुना कि हनुमान चालीसा और रामायण वो लोग ढोलक पे गाते हैं, और हर व्यक्ति निष्णात है, हर व्यक्ति गा लेता है। ये बात अलग है कि उसका एक्सेंट, उसका टोन, वहाँ की कौन सी भाषा है वो, भोजपुरी भाषा और गुजराती भाषा सबका सम्मिश्रण है, तो फिजियन भाषा उसको नाम दिया, फिजियन भोजपुरी। फिजियन भोजपुरी में क्या है कि लिंग का भेद नहीं है, कुछ भी बोल जाते हैं, आता है आती है जाता है जाती। पर उन्होंने थके हारे आते थे, गन्ने के खेतों में उनको पीटा जाता था, हंटरों से मारा जाता था गोरों के द्वारा। आज से 150 साल पहले उनके घर से उठा के उनको ले गए थे, शिप में बिठा के डाल दिया था और वहां जाके पटक दिया द्वीप पे। द्वीप मैंने पूरा घूमा है, 2 दिन में परिक्रमा की जा सकती द्वीप, छोटा सा द्वीप, गन्ना लगा हुआ था वहाँ, और गन्ने की शुगर मिल है, एक रेलवे लाइन है छोटी सी, उसमें ट्रेन चलती है। मैं 3 बार गया हूँ फिजी, मैंने देखा है कि किस तरह से उन लोगों ने अपने आप को उस कष्ट से निकाला। 2 चीजों ने निकाला, हनुमान चालीसा और रामायण। रामचरितमानस का पाठ रोज रात को 4-5 घंटे संकीर्तन करके, आराम से 11 बजे तक संकीर्तन करके फिर सोते थे, थकान मिटाते थे।
हमारी रामचरितमानस ने न जाने कितनों को शक्ति दी है, न जाने कितनों को बल दिया है। रामचरितमानस तब लिखी गई जब हमारे देश में एक संक्रांति काल था, एक हम नए युग की देहरी पे खड़े थे। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि युग विशेष है, परास्त मानसिकता है, अकबर का समय नहीं आया था, शेरशाह सूरी का एक गोल्डन समय आया था, उसके पराजय के बाद हुमायूं आ गया था, भारत की अस्मिता पे, भारत के स्वाभिमान पर बराबर हमला हो रहा था, पंडित वर्ग भी बड़ा दुखी था, एक आदर्श खोज रहा था जन जन। वाल्मीकि के राम और तुलसी के राम में अंतर है। वाल्मीकि संस्कृत में है, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। समाज के सामने उस समय एक निष्कलुष व्यक्तित्व प्रस्तुत होना था, पारिवारिक जीवन की दृष्टि से एक समग्र व्यक्तित्व आना था। उसके पहले या तो कर्मकांड थे या रासलीला। मैं तुमको दिखाना बताना चाहता हूं कि वास्तव में रासलीलाओं ने और कर्मकांडों में दक्षिणा दीजिए दक्षिणा दीजिए, लगभग ब्राह्मणों ने एक ऐसा क्षेत्र हथिया रखा था कि कर्मकांडों के नाम पर जितनी दक्षिणा अर्जित कर सके उतनी दक्षिणा अर्जित करें, और वो सबके लिए नहीं था। ये तो गुरुदेव नहीं थे ना, गुरुदेव ने यज्ञ के नाम पर क्रांति कर दी, कर्मकांड के नाम पर क्रांति कर दी। दृढ़ चरित्र का प्रस्तुतिकरण बहुत जरूरी था, एक आदर्श चरित्र का प्रस्तुतिकरण जरूरी था, एक आदर्श सदग्रस्त का प्रस्तुतिकरण जरूरी था। लोग संन्यास की बात करते थे, कर्मकांडों की बात करते थे और संस्कृत की बात करते थे। जो संस्कृत नहीं बोल सकता वो विद्वान नहीं है। ऐसे में तुलसीदास जी का आना और तुलसीदास जी का आकर के अपनी बात को प्रस्तुत कर देना और आकर के एक त्याग के प्रतीक के रूप में भव्य चरित्र राम का, जो भी कथाएं कही जाती थी पहले संस्कृत में कही जाती थी, हिंदी बोलना विद्वानों का अपमान माना जाता था। अरे विद्वान हिंदी बोलता है, ये अपमान है। सैनिकों का आक्रमण होता रहता था, चर्चा के विषय यही थे, महिलाओं को उठा के ले गए हमारे यहां से, गांव से, गांव गांव में ये स्थिति थी। शासन व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी, साधन शासन व्यवस्था शेरशाह सूरी जो बना के गया था उसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। गोस्वामी जी के काल का वर्णन कर रहा हूं मैं, 16वीं शताब्दी। उस समय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्रांतिकारी काम किया, रामकथा का सहारा लिया। रामकथा मोक्ष मुक्ति के लिए नहीं, रामायण के रूप में एक आदर्श रखने के लिए। एक आदर्श गृहस्थ भी हो सकता है जो माता पिता की आज्ञा मानकर कहीं भी जा सकता है, वन भी जा सकता है 14 साल के लिए, जो एक राजकुमार भी है सुकुमार भी है, पर जब अस्थियों का पहाड़ देखता है वो, तो उसके मन में आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, आंखों में आंसू आ जाते हैं उनकी अस्थियों के पहाड़ देख के। दूसरे ही पल धनुष तान लेते हैं कि इन सबको निश्चरहीन कर दूंगा। ऐसा एक योद्धा, ऐसा एक क्षत्रिय, ऐसा एक व्यक्तित्व का धनी मर्यादा पुरुषोत्तम उनको उपस्थित करना था समाज को दिशा दर्शन देने के लिए। रामायण रामचरितमानस पर जितनी पीएचडी लिखी गई है उतनी किसी पे नहीं लिखी गई। सबसे ज्यादा पीएचडी इस देश में, विदेश में, अन्य भाषाओं में, तुम कल्पना करो, रशियन, जर्मन, बुल्गेरियन, करीब करीब 30 भाषाओं में पीएचडी लिखी गई है रामचरितमानस के ऊपर। और मेरा ऐसा अंदाज है, मैंने भी आज गूगल करके कुछ जानने कोशिश की थी तो नहीं मिला मुझे, पर लगभग ऐसा अंदाज है 1,500-2,000 से ज्यादा थीसिस रामचरितमानस के ऊपर है। फादर कामिल बुल्के रशिया के थे, जर्मनी के थे, उन्होंने एक बात कही है, मरकर कहीं जाऊंगा, फादर कामिल बुल्के ने रामायण का अनुवाद किया है जर्मन में, मरकर कहीं जाऊंगा तो कहूंगा भगवान से कि मेरा पुण्य बनता हो तो कृपा करके तुलसीदास जी के दर्शन करा दो, अगर मेरा पुण्य बनता हो तो तुलसीदास जी दर्शन करा दो। तुलसीदास जी कैसे थे मुझे नहीं मालूम, पर तुलसीदास जी ने क्रांति कर दी। तुलसीदास जी ने पूरी तरह से, ऐसे मुरीद थे, बहुत बड़े मुरीद थे वो। राम कथा सभी विपत्तियों पापों को हरने वाली है और हमारे विजन में मल आ जाता है, देखने की दृष्टि में मल आ जाता है, आयुर्वेद कहता है ऐसे ही हमारे चित्त में मल आ जाता है। कैसे? घटनाएं घटती रहती हैं, मन विक्षुब्ध हो जाता है, विचारों में द्वंद्व आ जाता है, भावनाओं की लहरें आती हैं, छाप पड़ती है, संस्कार बन जाते हैं, बार बार मन विक्षुब्ध होता है, हम दुखी होते हैं, और जहां मन दुखी होता है संस्कारों की छाप लगती है, वहां मन चित्त मेला हो जाता है।
ऐसे न जाने कितने दाग हैं, ये धुलते नहीं हैं, हम उल्टा जीवन जी रहे हैं आज की जीवन शैली में। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए कहा हम उल्टे को उलट के सीधा करेंगे, ये विचार क्रांति है, ये परिवर्तन की आंधी है। अंधकार से भरी यात्रा में हम जी रहे हैं, रास्ते में जाते हैं तो मार्ग में धूल लग जाती है कि नहीं? कभी यहां से तुम अपने घर जाते हो, मार्ग में धूल लग जाती है, जाके तुम नहाते हो ताकि रास्ते की धूल निकल जाए, चित्त में संस्कारों की धूल लग जाती है यात्रा करते करते। जीवन यात्रा में चित्त में संस्कारों में धूल लग जाती है, यह हटे तब जब भगवान की धारणा हो। यह धूल तब हटेगी जब भगवान की धारणा हो, भगवान के बारे में हमारे मन में कुछ कंसेप्ट बने, कंसेप्चुअलाइजेशन हो। धारणा के लिए ढेर सारे उपाय हैं पर बड़े कठिन हैं, जटिल हैं। कौन कौन से उपाय हैं? योग, सब कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर ये बताओ, हाथ ऊंचा करके बताओ, यम नियम कितनों का पालन कर सकते हैं? पांच नियमों का पालन कौन कितनी ईमानदारी से कितने दिन तक कर सकते हैं? पूरे पांचों नियमों का पालन। अच्छा, यम के नाम बता दो, यम कितने हैं? नहीं मतलब कोई एक बोलो ना बाबा, कोई एक बोलो। हाँ बोलो। अच्छा, अब ये अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये पांचों को पालन करने में तुमको कितनी परेशानी आएंगी बताओ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। क्या तुम पालन कर सकते हो? इसके बिना योग नहीं चलेगा। ये जो बाकी योग जो है ना, जो आसन से चालू हो जाते हैं और यूं 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 यू करते रहते हैं, ये योग जो है योग नहीं है। जब तक ये जीवन में नहीं उतरेगा तब तक आपके जीवन पतंजलि कह रहे हैं भाई, पतंजलि कह रहे हैं कि यम और नियम जो है ये जीवन के बायोलॉजिकल, ये पूरी तरह से हमारे जीवन के बायोलॉजिकल बिहेवियरल न्यूरोलॉजिकल न्यूरोसाइकोलॉजिकल मॉडिफिकेशन के लिए प्रोसेस है। नियम के नाम बताओ, नियम क्या क्या है? कोई एक बोलो, एक एक बोलो बताओ। ईश्वर प्रणिधान तुम लोग कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, शोच कर सकते हो, सफाई कर, सबको एक एक करके फॉलो कर सकते हो। नीम से दिक्कत है, पूरा करने में मुश्किल है। उसके बाद आसन, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, फिर ध्यान। हम तो आसानी से ध्यान करा देते हैं तुमको, तुमको अष्टांग योग करने में दिक्कत है, योग में परेशानी है। संयम चाहिए, दृढ़ता पूर्वक टिके रहने वाला चाहिए। बोलना आसान है, पालन करना मुश्किल। बोलना आसान है, हम करते हैं सब यम नियम, तो सब पालन करते हैं। बिना यम नियम के कोई आसन होता है? डेली आसन करते हैं पर यम नियम का पालन करके। परीक्षा लेते हैं हम उनकी, पता चल जाएगा। यम नियम का पालन करके सबको करना है योग कठिन। दूसरा वेदांत, वेदांत के लिए प्रखर मार्ग बता रहा हूं। पहला मार्ग योग का, दूसरा मार्ग वेदांत का। प्रखर मेधा चाहिए उसके लिए, प्रखर मेधा। क्या है उसमें? सबसे पहले तो ये चिंतन डेवलप करेगा, करना पड़ेगा, संसार है ही नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जन संसार है ही नहीं, ये सब है ही नहीं, संभव ही नहीं, विवेक जाग ही नहीं पाता। कोई अगर साधन कल्याणकारी है जिसको सबने सराहा, उन्होंने कहा कि नाम रूप लीला यश गान का चिंतन, भगवान के नाम रूप लीला यश का गान और चिंतन सभी के लिए आसान। राम कथा का पंडित वर्ग ने बड़ा विरोध किया, चोरी का आरोप लगा दिया तुलसीदास जी पे, उन्हें मारने का षड्यंत्र किया। उस जमाने में मधुसूदन सरस्वती हुआ करते थे, मधुसूदन सरस्वती सबसे बड़े पंडित माने जाते थे और वेदांत के प्रकांड पंडित थे। उनका बड़ा दबदबा था सारे वाराणसी नहीं बल्कि पूरे हिंदू समुदाय में। जो वे कहते हैं उसका सम्मान सभी पंडित करते थे, संस्कृत के और वेदांत के प्रकांड पंडित थे। उन्हें लगता था पंडितों को कि तुलसी सभी का अपमान कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या 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 किया और जनता इनके पीछे भाग रही है। वो क्या करते थे कि रामायण कथा का नाम वाल्मीकि रामायण से शुरू करते थे तुलसीदास जी, फिर हिंदी में कथा चेक करने लगते थे। कवित्त सवैया चौपाई आशु कवि थे, जोड़ते चले जाते। पंडितों की को जलन होने लगी, संगीत में कथा कहते थे। उन्होंने कहा मधुसूदन शास्त्री के पास जाके, हमने खूब कोशिश कर ली, उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी किताब लाएं, रामचरितमानस आप पढ़ के देखिए। उन्होंने पढ़ी,
और जैसे सुखदेव की समाधि टूटी थी वैसे उनकी समाधि टूटी। उन्होंने कहा कि मैं कहां वेदांत के चक्कर में पड़ा था। वह आनंदित हो गए और आनंदित होकर उन्होंने कहा जैसे बनारस शिव का आनंद वन है, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन लेना पहले, जैसे बनारस शिव का आनंद वन है, तुलसी नाम का पौधा उसमें लगा हुआ है, कविता रूपी मंजरी उसमें खिली हुई है और राम भक्ति रूपी भंवरा उसमें मंडरा रहा है, ऐसा रामचरितमानस है। मैं कहता हूं सबको इसे पढ़ना चाहिए। उस जमाने में 16वीं शताब्दी में एक पंडित के माध्यम से जब इसकी उक्ति मिली तो इसको स्थापना हुई। आनंद बनारस में शिवजी का आनंद वन है, तुलसी नाम का पौधा लगा हुआ है, उगा हुआ है, कविता रूपी मंजरी है और राम भक्ति रूपी भंवरा उसमें मंडरा रहा है। भगवत भक्ति का अद्भुत प्रमाण। वे भी स्वयं भक्त हो गए, स्वयं मधुसूदन सरस्वती उनके भक्त हो गए और उन्होंने फिर लिखा प्रबोध सुधाकर नाम की एक पुस्तक है, उसमें लिखा उन्होंने ज्ञान का दंभ और अभिमान तब तक ही है जब तक भगवान के मुख छवि सामने ना आ जाए। ज्ञान का दंभ और अभिमान तब तक ही है जब तक भगवान की छवि सामने ना आ जाए, और जैसे ही उनकी छवि सामने आती है सारा ज्ञान विलीन हो जाता है। इसलिए भक्ति में सबसे ज्यादा दम है। ईश्वर परिधान की महत्ता इसलिए बताई गई, इसलिए राम कथा सब तरह से अद्भुत है। राम कथा की महिमा जितनी गाई जाए उतनी अपरंपार है। राम कथा जिनने लिखी है वो हमारे तुलसीदास जी, बचपन से ही उनका पालन पोषण, माँ तो मृत्यु के बाद चली गई थी, पालन पोषण दासी ने किया, भटकते हुए नरिहरचारण दीक्षा दी, फिर शेष सनातन के पास छोड़ दिया। शेष सनातन बहुत बड़े एक तांत्रिक भी थे और बहुत बड़े संत भी थे, प्रखर मेधा थी, उन्होंने अध्ययन किया उनके अंडर में। राम में प्रीति थी क्योंकि गुरु ने दिया था श्री राम मंत्र। एक उनका शिष्य उनके साथ पढ़ता था, जैसे दो दोस्त होते हैं ना, तो एक दोस्त थोड़ा नटोरियस टाइप का होता है, एक नटोरियस टाइप का शिष्य था, उसका नाम था बटेश्वर, शेष सनातन के, वो तंत्र की साधना करता था। तुलसीदास भ्रतक छात्र थे, भ्रतक छात्र उसको कहते हैं जो थोड़ा सा काम वाम भी करता है घर का, और उसका आजकल के पीएचडी स्टूडेंट्स हैं ना, वो सब भ्रतक छात्र होते हैं, पीएचडी के गाइड के भ्रतक छात्र होते हैं। पीएचडी गाइड की पत्नी कहती है कि भाई सब्जी लाना है, तो बेचारा ले आता है, घर में घी तेल नहीं है तो ले आता है बेचारा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो पाँच जिन्होंने करीब करीब डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपये घर के खर्च पर खर्च किए हैं और उसके बाद उनको पीएचडी अवार्ड हो गई है पूरी पूरी। भ्रतक छात्र, भ्रतक यानी सर्वेंट नौकर, छात्र यानी स्टूडेंट, सर्वेंट नौकर। भ्रतक छात्र थे, क्या करते थे, घर की सफाई करते थे। शेष सनातन की पत्नी, शेष सनातन मराठी ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी, उनको आई कहते थे, चौका बर्तन वो घर का करते थे, माँ का प्यार मिलता था, आई से माँ का प्यार मिलता था। उन्होंने शेष सनातन का जो शिष्य था बटेश्वर, उसने कहा कि ये बता कि तेरा हनुमान जी में कितनी शक्ति है। बोले मेरे हनुमान जी बहुत बड़े हैं। तो बोले हनुमान जी में शक्ति है तो तू रात को 12 बजे पीपल के नीचे खूंटा गाड़ के आ जाओ, तुझे पता चल जाएगा तेरा भूत बड़ा कि तेरा राम बड़ा। लड़ाई हो गई। उसने कहा, तुलसीदास जी ने कहा कि आई ये कैसे होगा। बोले बेटा तेरी भक्ति है तो जरूर आएंगे, राम आएंगे, राम तेरी रक्षा करेंगे, हनुमान जरूर आएंगे। रात में गए, उसी समय वो दिन में बैठे और एक दिन में हनुमान चालीसा लिख दी उन्होंने, जो हनुमान चालीसा जिसको हम पढ़ते ना, को नहीं जानत है जग में, वही है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश्ती हूँ लेव गुजर। ये जो हनुमान चालीसा उसी दिन लिखी थी उन्होंने, उम्र थी 12-13 साल की। कल्पना कर सकते हैं कितने विद्वान थे। उन्होंने जाके खूंटा गाड़ा, शंख बजाया और हनुमान जी वहां खड़े हुए थे, हनुमान जी के चरणों में अर्पित की हनुमान चालीसा और वापस आ गया। आकर के उन्होंने बटेश्वर की हालत खराब की, देख खूंटा गाड़ के आ गया। बड़े हुए, पाठशाला से निकले, राजापुर में आके रहे, रामकथा कहने लगे। उसी समय रत्नावली से विवाह हुआ उनका, सुंदर थी, बचपन भटकते हुए बीता था,
जिसका बचपन भटकता हुआ बीतता है वो अपनी पत्नी में ढूंढता है सब कुछ। प्यार नहीं मिला था, प्यार चाहिए था। पत्नी पढ़ी लिखी थी, संस्कृत की मर्मज्ञ थी, ज्योतिष थी, विद्वान थी, ज्योतिष की विद्वान थी, ससुर भी विद्वान, गद्दी दामाद संभाले ऐसा चाहते थे। पर वो रामकथा कहते कहते ज्योतिष भी करते थे, पर ये नहीं जानते थे कि पति पत्नी को ऐसा रहना चाहिए कि पत्नी ऊपर रहे पत्नी नीचे रहे। रत्नावली को अभिमान था कि विरासत ये संभालें। तुलसीदास जी भी चाहते थे, पर तुलसीदास जी के मन में यह था कि ज्ञान वान सब ठीक है पर प्रेम भी तो चाहिए भाई। प्रेम पति पत्नी की तरफ से नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा। तो पत्नी मायके चली गई, तो तुमको मालूम है उसके बाद क्या हुआ? मालूम है कि नहीं? पत्नी के घर पहुंच गए और पत्नी के घर जाने के लिए बाढ़ भी पार की, सांप को भी पकड़ के पहुंचे और ऊपर जाके पहुंचे, तीन 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 अवरोध पार किए और पत्नी का उलाहना सुना कि इतनी भक्ति तुम्हारी राम में होती जितनी जब भक्ति मेरे अंदर है तो तुम न जाने क्या हो गया होता। बस उन्होंने अब रामायण की कथा कहना चालू कर दी, कवित्व छंद बनाकर पदों की बड़ी सरल बन जाती थी और राम कथा उनके बराबर किसी की नहीं। अब लो न साही अब न नसे हूं। फिर घर नहीं देखा, बनारस अयोध्या चित्रकूट में रहे। एक बार पत्नी गई, तब तक सन्यासी बन गए थे, तो पर्दा डलवा के पत्नी से बात की उन्होंने। उन्होंने कहा वो संबंध समाप्त हो गया, अब हम राम के ही रह गए, अब काम के नहीं हैं। समझ में आया कि नहीं? अब हम राम के हो गए हैं, काम के नहीं हैं। जहां राम तहां काम नहीं, नहीं काम जहां राम, जहां राम है वहां काम नहीं है। कहते रहे राम की कथा, और जितनी भी लोक में व्याप्त कथाएं हैं सभी कथाएं अपनी साधना अनुभव अपना बोध भक्ति हनुमान जी कृपा शिव जी का आशीष संतों से मिलन हिंदुस्तान भर की उनकी यात्रा सभी को उन्होंने रामचरितमानस में पिरोया। जगन माता पिता पार्वती शिव को अपनी कथा में डाला उन्होंने, तीनों घाट इसी में आए। सभी को पिरो करके उन्होंने एक प्रकार से एक ऐसा प्रकरण बनाया जिसका नाम है रामचरितमानस। अब हम रामचरितमानस पे आते हैं। ये तुलसीदास जी की कहानी थी, तुलसीदास जी का जो जीवन क्रम है ना, बालकांड में वर्णन बहुत सुंदर आता है अपनी कथा के बारे में। भगवान तुलसीदास स्वयं कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं राम कथा सब तरह से अद्भुत है सभी के लिए। ये क्या है? वो कहते हैं असुर सेन सम नरक निकंदिनी। रामकथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली, साधु विबुद कुल हित गिरी नंदिनी, साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। रामकथा को दुर्गा की उपमा दी है, इसीलिए रामकथा नवरात्रि में कही जाती है। रामकथा दुर्गा के रूप में शक्ति, वो शक्ति देती है और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करती है। संत समाज पयोधि रमासी, ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। ये वो कहते हैं जमगण यानी यमगण, यम के गण, मुह मसी जग जमनासी। ये जो है जितने यमदूत हैं उनके ऊपर कालिख लगा देती है, उनके मुंह पे कालिख लगा देती है, यानी यमदूतों के लिए कालिक के समान। तुमने को यम यमुना की कथा मालूम होगी कि यम और यमुना भाई बहन हैं, तो यमुना ने कहा कि भैया नेक दो, तो यमुना के नेक मांगने पर उन्होंने कहा क्या मांगे, बोले तो भाई दूज के दिन जो भाई बहन दो भाई बहन यमुना का स्नान करें उन्हें यमदूत तंग न करें। जीवन मुक्तों के लिए काशी है और वो कहते हैं कि भाई बहन के लिए ये मथुरा में गंगा यमुना में स्नान है। मालूम नहीं आज की यमुना में कोई स्नान करना चाहेगा कि नहीं, क्योंकि आज की यमुना में स्नान करने के बाद बहुत सारे तरह तरह के चर्म रोग भी हो जाएंगे और नहीं होंगे काले तो काले हो जाएंगे, कालिख लग जाएंगे। मालूम नहीं कितना प्रदूषण हम लोगों ने किया है कि कालिया देह वाले विष से भरी हुई यमुना को भगवान कृष्ण की लीला स्थली लगभग अरबों रुपया विदेशी प्रवासी भारतीय भेज चुके हैं यमुना के परिशोधन के लिए। भारत सरकार इतना लगा चुकी है पर यमुना का परिशोधन नहीं होता है। यमुना को मैंने वहां भी देखा है जहां ये निकलती है, पहाड़ों से निकलती है, 11 पावर स्टेशन बने हुए हैं। यमुना बहुत ऊंचाई से निकलती है, आपको सबको मालूम है लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई से निकलती है यमुनोत्री से। वहां से जब नीचे आती है तो ये नीचे आते आते जब ये 1,500 फीट की ऊंचाई तक आती है, 2,000 फीट की ऊंचाई तक आती है डाक पत्थर पे, जिस पे 11 पावर स्टेशन बने हुए हैं जगह जगह,
और उससे पूरा पूरा यमुना नदी का टोंस घाटी का पूरा पूरा जो बिजली का उत्पादन उससे होता है। यहां तक तो यमुना प्योर है, पाउटा साहब तक प्योर है, उसके बाद बहुत ज्यादा इम्प्योर हो गई। जगह जगह पेपर मिल है दोनों तरफ। हमारे यहाँ क्या है कि लेदर की मिलें बनी तो कानपुर में बनी गंगा किनारे, पेपर मिलें बनी तो यमुना किनारे बनी, सारा विश्व इसी के अंदर। आज यमुना की स्थिति अजीब हो गई है, पर ये कहते हैं कि ये जमगन मुह मसी जग जमुनासी, यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए जगत में जमुना जी के समान, मतलब यमुना जी किसी जमाने में यमदूतों के मुख पर कालिक लगाते थे। अरे मता मेरे भाई को मत मारना, दोनों भाई बहन ने अगर डुबकी एक साथ लगा लिया, मालूम नहीं आज भी लगाते हैं पर कोई उसका प्रभाव होता है कि नहीं। और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है, जीवन मुक्ति हेतु जन काशी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान है, और तुलसीदास जी के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हित करने वाली। ये अश्लेष अलंकार है, राम जी भगवान राम जी को तुलसी के समान पसंद है, तुलसी को हुलसी के समान पसंद है। समझ में आया कि नहीं तुमको, कुछ हिंदी व्याकरण को भी पढ़ा हो तो। तुलसी की माँ का नाम था हुलसी, तुलसी को अपनी माँ की तरह से प्रिय है, और भगवान राम को तुलसी अपने भक्त के समान प्रिय है। ये बात समझ में आ रही है ना अच्छी तरह से। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है, और यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए यह माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। राम कथा की महिमा अपरंपार बताई है, शिव जी को पार्वती की तरह प्रेम, अदिति माता के समान देवगण। राम कथा के पुत्र जो है वो सदगुण है, राम कथा से जो निकलते हैं वो सदगुण निकलते हैं, राम कथा को जो पढ़ता है उसे सदगुणों का जन्म होता है, और जहां सदगुणों का जन्म होता है वो अदिति, राम कथा अदिति बन गई देवताओं की मां। सदगुण सदा कृपालु, फिर दुर्गुण नहीं पनपेंगे, जो राम कथा को नियमित जीवन में उतारता है उसके जीवन दुर्गुण नहीं आएंगे। राम कथा मंदाकिनी है, मंदाकिनी चित्रकूट में निकलती है, चित्रकूट में चली जाती है, पहाड़ से निकलती है, पहाड़ में ही समा जाती है, आगे जाके वो मिल जाती है सोन नदी में, सोन से जाके उधर चली जाती है। निर्मल चित्त वो कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभक स्नेह बन सी रघुवीर बिहारु। ये हम अपने पराकाष्ठा पहुंच रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है, और सुंदर स्नेह ही वो वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। राम कथा मंदाकिनी है, बहने वाली नदी है, और निर्मल चित्त जो है हमारा वो चित्रकूट है। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे देत रखुए, ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। ये जो चित्रकूट है और मंदाकिनी है, जो वहाँ के पावन जो तीर्थ हैं, ये अपने आप में बड़े विलक्षण हैं। भगवान राम और सीता वहाँ नित्य विहार करते हैं, सुंदर स्नेह वन महिमा की पृष्ठभूमि बनाई है तुलसीदास जी ने। राम कथा को मंदाकिनी की उपमा दी है। मानसरोवर कैलाश धाम में है, मानसरोवर कहाँ है, कैलाश धाम में, तो शिव के मानस से निकली इसलिए मानसरोवर में, और चित्रकूट में 11 वर्ष श्री राम रहे इसलिए मंदाकिनी, तो मंदाकिनी के पावन जल के रूप में श्री राम कथा, मानसरोवर के पावन जल के रूप में श्री राम कथा। मानसरोवर में भी घाट चार हैं और मंदाकिनी में भी घाट चार हैं। ये घाट क्या होते हैं, घाट का मतलब क्या होता है, बैंक, घाट का मतलब क्या होता है, कोई बताओ भैया, घाट का मतलब क्या होता है, नदी का घाट, घाट घाट का पानी पिया है, घाट का मतलब क्या, सीढ़ियां बनी रहती ना। तो तुलसीदास जी कह रहे कि ये जो कथा है इसमें अब बहुत सारी लीला का गान तो बहुत सारा है, पर ये कहते हैं कि इसमें जो है सात कांड जो हैं, रामचरितमानस में सात कांड है ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और लंका कांड, उत्तर कांड है ना, ये सात कांड सात सीढ़ियों के समान। अगर घाट पे सीढ़ियां ना हो तो क्या करना पड़ेगा, घाट तो बना दिया पक्का,
घाट से कूदना पड़ेगा नीचे नहाने के लिए नदी में, घाट पे सीढ़ियों का होना जरूरी है, इसलिए सात जो सीढ़ियां बनी है वो सात कांड के रूप में है। ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। और राम सीय जस सलिल सुधासम, श्री रामचंद्र जी सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, तरंगों का मनोहर विलास है और तरह तरह की चीजें दी गई हैं, बहुत सुंदर सोरठे दोहे कमलों के समूह हैं, ये सारा का सारा भगवान तुलसीदास जी का अलंकारिक विवरण है। अब इस अलंकारिक विवरण में वो कह रहे हैं, जैसे प्रबंध काव्य में क्या होता है, नौ सर्ग होना चाहिए, कोई भी प्रबंध काव्य, तुलसीदास जी का ये प्रबंध काव्य है, नौ सर्ग होना चाहिए, नौ कांड होना चाहिए था। तुलसीदास जी ने सबसे अलग हट करके सात बनाए। सात क्यों बनाए, सात क्यों बनाए, वे विद्वानों से अलग थे, प्रतिभा थी उनके अंदर। सप्त चक्र कहते हैं, सप्त लोक कहते हैं, मुक्ति के सात सोपान कहते हैं, ठीक है ना, सप्त आयाम है। उन्हें विद्वानों से यश नहीं लेना था, उनको ये कहना था कि आदमी के सप्त चक्र पार हो जाएंगे यदि वह सातों कांडों को जीवन में उतार लेगा, इसलिए उन्होंने सप्त सप्त कांडों का एक रामचरितमानस रखा। मुक्ति के सात सोपान, जन जन के कवि बने तुलसीदास जी। उन्होंने संसार के लिए नहीं लिखी, ये कविता संसार के लिए नहीं थी, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं थी, दुर्जनों के लिए नहीं थी, औरों का हित करके पर अकारज, दूसरों का अकार्य करने के लिए जो मरते हैं ऐसे लोगों के लिए नहीं लिखी थी। उन्होंने ऐसे आम आदमी के लिए लिखी थी जो एक आदर्श चाहता था, आदर्श परिवार, आदर्श वातावरण, आदर्श राम सीता का चरित्र। मंदाकिनी चित्त में प्रवाहित होती हो, निर्मल मन स्फटिक चित्त की तरह से हो, ऐसा सुभग स्नेह वाला व्यक्ति जो प्रभु के प्रति भक्ति जिसके मन में हो उसकी बहुत चर्चा करते हैं, ऐसे में सीता राम नित्य विहार करते हैं। तो हमारा जो मूल स्रोत है, मूल दोहा है, वह है बालकांड का 36वां दोहा। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, तेही एही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार करके जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, चार घाट हैं मंदाकिनी में, राम कथा में, चित्त में निर्मल भाव से बहने वाली इस मंदाकिनी कथा में, इस राम कथा में क्या है, काग भुशुंडी और गरुड़ पहला संवाद, दूसरा संवाद है शिव पार्वती, तीसरा संवाद है याज्ञवल्क और भारद्वाज, और चौथा संवाद है तुलसीदास और हम सब संत लोग। तुम सब संत हो, सुन रहे हो हमारी बात को। तो चार घाट हैं, इन चारों घाटों का हम लोग विवरण करेंगे कल और उसके बाद आने वाले 8 दिन में, और चारों घाटों के साथ जुड़ी हुई कथाएं, परम पूज्य गुरुदेव के जीवन का विश्लेषण, इन हर हर चीज का ध्यान करेंगे। ये चारों घाटों के साथ साथ हम महिमा का गान करेंगे, तेही यही पावन सुभग सर, ये पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट, इन चार मनोहर घाटों का विवरण। सीता राम नित्य विहार करते हैं तब जीवात्मा निश्चिंत हो जाती है। 9वें दिन रामनवमी होगी, उस दिन राम जन्म करेंगे। ये जो रामचरितमानस है इसके ऊपर बहुत सारी कथाएं कही गई हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने चिंतन रखे हैं, परंतु जो गुरुदेव को जिस तरह से लगा, गुरुदेव ने रामचरितमानस की प्रगतिशील प्रेरणा एक पुस्तक लिखी है, उसके ऊपर आधारित ये चिंतन है जो आज तुम्हारे सामने रखा गया है। रामचरितमानस की प्रगतिशील प्रेरणा, उसी पर एक वांग्मय भी है हमारा, और उसी वांग्मय के आधार पर ही चिंतन। परम पूज्य गुरुदेव ने रामचरितमानस को अन्य ग्रंथों की तुलना में, मैं ये नहीं कहूँगा कि भागवत ग्रंथ और ये सब ग्रंथ जो हैं उसके सामने कनिष्ठ हैं, पर रामचरितमानस और गीता, ये दो ग्रंथों को मैं आधार मानता हूँ भारतीय संस्कृति का। अगर दो पिलर जिन पर खड़ी हुई है, अगर इन दो ग्रंथों का अध्ययन कर लिया जाए, रामचरितमानस और गीता, इसलिए मैं चैत्र नवरात्रि में रामचरितमानस लेता हूँ क्योंकि राम जी का समय है, उस समय मैं गीता लेता हूँ। गीता इसलिए नहीं कि भगवान कृष्ण का समय, बल्कि इसलिए अश्विन मास में अपन जब पाठ करते हैं गीता का, तो उसका एक अलग वो है भगवान कृष्ण का मासा नाम मार्गशीर्षोहम, उसके बाद मार्गशीर्ष मास आता है, इसलिए ये हर चीज इतनी विलक्षण है। चैत्र नवरात्रि, नूतन संवत्सर, शैलपुत्री की उपासना, आज हम हिमालय का ध्यान करेंगे, हिमालय से निकलने वाली हिमपुत्री, सारी की सारी जितनी प्रकार की हमारी जड़ताएं हो सकती हैं, उन जड़ताओं को भेद करके निकलने वाली,
पाषाण भेद करके निकलने वाली, पाषाण को अंकुरित करके निकलने वाली और तपस्वी जीवन हेतु प्रेरणा देने वाली पार्वती का प्राकट्य, दुर्गा का प्राकट्य, चेतना के विकास का पहला चरण जड़ता को भेद कर बाहर आ जाना। आदमी आज जड़ता की स्थिति में रह रहा है, ऐसी जड़ता की स्थिति से निकलने के लिए हमें जरूरी है कि हम शैलपुत्री का एक चिंतन जीवन में उतारे। शैलपुत्री कौन? पार्वती, अपर्णा, पत्ते खाने की वजह से, तपस्या करने की वजह से अपर्णा जो बन गई, जिसने कि भगवान सबकी परीक्षा के बाद, ऋषि मुनियों ने परीक्षा ली, सबने परीक्षा ली, उसके बाद भी उसने भगवान शिव से ही अपनी विवाह करने की स्वीकृति दी। ऐसी हिमपुत्री, शैलपुत्री, प्रथम दुर्गा, दुर्गा का प्रथम स्वरूप, आज उनकी उपासना करेंगे। उनका ध्यान करने के लिए हिमालय का ध्यान, और हिमालय में बैठे हुई माँ दुर्गा का ध्यान, ये आज हम करेंगे। 5-10 मिनट का ध्यान है। इसके बाद रामचरितमानस की आरती। आज गीता जी को हटा दिया गया है 9 दिन, थोड़े दिन के लिए 9 दिन तक रामचरितमानस स्थापित रहेगा यहाँ पे, और रामचरितमानस की आरती करेंगे, एक जस्ट फॉर ए चेंज। ठीक है, आइए लाइट बंद कर दीजिए। कल्पना करना कि हिमालय में ऋषि मुनि हैं, उन्हीं के बीच में हम लोग बैठे हैं। हिमालय में जाने के लिए कोई ज्यादा कल्पना करने की जरूरत नहीं, हिमालय के चित्र बहुत सारे देखे हैं तुमने। धीरे धीरे शांत मन से, जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे तुम अपने ध्यान को स्थिर करते चले जाना। सावधान, शांत मन, स्थिर शरीर। सावधान, शांत मन, स्थिर शरीर। दोनों हाथ गोदी में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। सावधान, किसी प्रकार का कोई आक्रामक विचार चित्त में ना आने दें। आक्रामकता चित्त को भंग करती है, और ये ईर्ष्या, द्वेष, राग, वासना, तृष्णा, अहंता के कारण आती है। किसी प्रकार की कोई और बात मन में न आने दें, मन शांत। शांत मन, भाव समाधि। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली, शांति कुंज। गंगा, पतित पावनी पुण्यतोया भागीरथी, गंगा की गोद, हिमालय की छाया। चारों तरफ हमारे हिमालय पर्वत। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हिमालय की गोद में, गंगा की गोद में बैठे हैं। हिमालय वाइब्रेंट पावर हाउस ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, उच्चतम ऊर्जा, देवी ऊर्जा का उच्चतम भंडागार। शक्ति का केंद्र हिमालय। विश्वामित्र ऋषि की तपस्थली, शांति कुंज। विश्वामित्र ऋषि की तपस्थली, शांति कुंज, जिस स्थान पर विश्वामित्र ऋषि का और सप्त ऋषियों के विग्रह स्थापित हैं, वो स्थान एग्जैक्टली वही है जहां विश्वामित्र ऋषि ने तपस्या की थी किसी जमाने में, और उनके किनारे से गंगा होके गई थी। सप्त सरोवर, सप्त ऋषि,
की तपोभूमि। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की तपोभूमि शांति कुंज। नियमित जप, नियमित मंत्र लेखन, अखंड दीप, अखंड यज्ञ, दिव्य वातावरण, शांति कुंज। लगभग 24 लाख का जप 24 घंटे में नित्य संपन्न, ऐसा दिव्य पावन केंद्र शांति कुंज। शांति कुंज, गायत्री तीर्थ, कल्प वृक्ष, हिमालय, रिद्धि सिद्धियों का भंडागार हिमालय, बर्फ से ढका हुआ, सूक्ष्म शरीरधारी ऋषियों का केंद्र, दिखाई नहीं पड़ते, पैंतीस सौ मील लंबी श्रृंखला, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, एक ऐसी दिव्य श्रृंखला जिसका केंद्र है देवतात्मा हिमालय उत्तराखंड। जहां कभी राम ने भी तप किया, जहां कभी लक्ष्मण ने भी तप किया, भरत शत्रुघ्न, श्री कृष्ण रुक्मिणी सब ने तप किया, पांडवों ने तप किया, जो देवभूमि कही जाती है उत्तराखंड, देवतात्मा हिमालय। हिमालय में सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि जो आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, उनकी वजह से तप ऊर्जा, बड़ी बड़ी चोटियां पहाड़ों की, हिमाच्छादित चोटियां, उन पर होने वाला सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता, स्वर्णिम सूर्योदय हिमालय के शिखर पर, चोटियां स्वर्णिम सोने के समान, उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार हिमालय। हिमालय पारस जिसको छूकर हमारे गुरुदेव सोना बन गए, शक्ति का भंडार हिमालय। कल्पना मात्र से ही अपने हिमालय को हम अपने अंदर ला सकते हैं। हिमालय, आदर्शों के हिमालय पे चढ़ने की कोशिश, हिमालय हाईएस्ट पॉसिबल अचीवेबल प्लेस इन स्पिरिचुअलिटी, इन वर्ल्डली एडवेंचर्स, जितने भी हम लोग सोच सकते हैं वो सब के सब। ऊंचा से ऊंचा जो हमारे दिमाग में एक लक्ष्य आता है वो हिमालय, दुर्गम हिमालय, दुर्गम हिमालय, जहां ऋषि मुनि तप कर रहे हैं ताकि पूरी धरती का भाग्य बदला जा सके। हिमालय में ऋषियों की वर्ल्ड पार्लियामेंट परिवर्तन का सरंजाम जुटा रही है, ऐसी ऋषियों की संसद हिमालय, इनविजिबल हेल्पर्स जहां पर मौजूद हैं, ऐसा हिमालय।
हमारे दिमाग की तपन उलझन जितने द्वंद्व हैं वो हिमालय की ठंडक से शांत हो जाएं। हिमालय से निकली हिमपुत्री शैलपुत्री पार्वती आज की देवी प्रथम दुर्गा, दुर्गा का प्रथम रूप, दुर्गा सप्तशती का प्रथम रूप स्वरूप दुर्गा, कठिनतम कार्यों को सरल बनाने वाली दुर्गा, तमस को चीर कर निकल के आने वाली दुर्गा पार्वती, वही हमें चेतना के उच्चतम आयाम तक ले जाएगी 9 दिन तक। ऐसी दुर्गा, ऐसी हिमालय का हम ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, बार 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 उनको अपने चिंतन में लाने की कोशिश करते हैं ताकि हम भी वैसे बन सकें। मेरे साथ साथ बोलेंगे ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ें, ध्यान की ऊर्जा को, हिमालय की पावन शक्ति को अपने अंदर धारण करें, लाइट्स ऑन कर दें, रामायण की आरती करेंगे। ॐ यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथानि विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा कस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। दावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बालभिक, ब्रह्मादिक मुनि नारद बालभिक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अरुशारद, सुख सनकादिशेष अरुशारद। बन पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, छौ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की, सार अंश सम्मत सब ही की।
आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज ब कागभ सुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। हरण विषय रस फीकी, कलिमल हरण विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मूर्यमी की, दलन रोग भव मूर्यमी की। तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। दोनों हाथ ऊपर कर लें, आरती ले लें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। कल दूसरा वाला प्रसंग लेंगे, और कल से बहुत ही अच्छा तुमको कथा प्रसंगों के माध्यम से और भी मन लगेगा धीरे धीरे।